जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री ने फोन से दी बधाई राजश्री महंत जी को। रक्तदान का हुआ आयोजन सत्संग भवन में। अनेक आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्थानों के कार्यकर्ताओं ने भेंट कर दी बधाई। सुबह से लगा रहा आने जाने वालों का तांता मठ में। महामंडलेश्वर के पद से विभूषित छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत राम सुंदर दास जी महाराज 6 जून सन 2022 को 56 वर्ष के हो गए हैं। उनके जन्म दिवस पर चाहने वालों एवं शुभ चिंतकों का तांता लग गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजश्री महंत जी महाराज ने अपने 56वें जन्म दिवस का शुभ आरंभ भगवान रघुनाथ जी श्री बालाजी एवं संकटमोचन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना से की। इस अवसर पर भगवान की आरती स्तुति गान की गई। केवल दूधाधारी मठ में ही नहीं बल्कि इससे संबंधित श्री जेतु साव मठ, श्री सूर्यनारायण मठ, श्री राजीव लोचन मठ, राजिम सहित सभी मठ मंदिरों में उनके दीर्घ आयु एवं स्वस्थ जीवन का कामना भगवान से की गई। श्री दूधाधारी मठ में श्रद्धालुओं, शुभचिंतकों, आध्यात्मिक संस्थान से जुड़े हुए लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं सांस्कृतिक जगत तथा पत्रकारिता से जुड़े हुए अनेक नामचीन हस्तियों का आगमन हुआ। इन सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से महाराज जी का जन्म दिवस बड़े उत्साह से मनाया। आध्यात्मिक संस्थान के कुछ लोगों ने स्वस्ति वाचन, आरती, संघोष, माल्यार्पण के साथ पुष्पगुच्छ, पुष्पमाला, आम, केला, सेब आदि ऋतुफल तथा श्रीफल, साल, धोती आदि अंग वस्त्र, मिठाइयां, द्रव्य भेंट करके राजश्री महंत जी के मंगलमय जीवन की कामना की एवं आशीर्वाद लिया। महंत जी महाराज भी सभी लोगों से अपने चिर परिचित अंदाज में बड़े सादगी एवं विनम्रता से मिलते रहे। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। सुबह लगभग 8 बजे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बस्तर प्रवास के दौरान अपने मोबाइल के माध्यम से राजश्री महंत जी को फोन करके बधाई देते हुए कहा कि महंत जी, आपके द्वारा गौ सेवा के संदर्भ में किए जा रहे कार्यों से राज्य सरकार का मान बढ़ा है। आप स्वस्थ रहें एवं निरंतर सेवा कार्य में लगे रहें, यही हम सभी प्रदेशवासियों की कामना है। महंत जी महाराज ने मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार जताया। रक्तदान का किया आयोजन। राजश्री महंत जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर मठ पारा रायपुर के 9 युवकों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन सत्संग भवन में किया गया, जिसमें न केवल रायपुर से बल्कि राज्य के अनेक जिलों से आए हुए लोगों ने भी रक्तदान। माननीय राजराजेश्वरी महंत श्री महंत राम सुंदर दास जी का जन्मदिन था। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ श्री महंत जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। गरीबों को वस्त्र फल वितरण किया गया और आज भगवान का विशेष पूजा अर्चना और विशेष भोग भंडारा किया गया। कहाँ कहाँ फल वितरण किया गया और किन किन घाटों में शिवनारायण में फल वितरण किया गया, इसके बारे में? मुख्य मंदिर के गेट में फल और वस्त्र वितरण किया गया, काली घाट में किया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फल और बिस्किट का वितरण किया गया। महंत श्री महंत राम सुंदर दास जी के जन्म दिवस पर हार्दिक अनेकानेक बधाई और शुभकामना। महंत शिवरी नारायण मठ मंदिर न्यास सर्वाकार महंत राम सुंदर दास जी का जन्मोत्सव मनाए हम लोग। आज 6/6/1966 को उनका जन्मदिन है। आज हम लोग बड़े ही हर्ष के साथ ये पावन अवसर उनका प्रबोध दिवस मनाते हैं। तो आज सर्वप्रथम भगवान की मंगला आरती, जैसे नित्य श्रृंगार होती है उससे विशेष श्रृंगार करके भगवान का पूजन आरती किया गया। तत्पश्चात उनको भोग लगा करके जो थे उनको भोजन कराया गया। उसके बाद हम लोग जो भिक्षुक बैठते हैं उनको श्रीफल, साल, साड़ी, द्रव्य, फल, ये सारी चीज़ का वितरण किए, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित नागरिक और श्री महंत लालदास शिक्षण समिति के सम्मानित सभी सदस्यगण, सूर्यनारायण मठ ट्रस्ट के सम्मानित सदस्यगण मौजूद रहे। और इसी के बाद दोपहर को भंडारा प्रसाद करने के बाद नित्य जैसे होती वैसी प्रक्रिया चलती रही और लोगों का फ़ोन आना और मिलने वालों का आना लगातार चलता रहा सिलसिला। तत्पश्चात शाम को भगवान की आरती करने के बाद जो भोग लगी है, उसके बाद नगर के प्रतिष्ठित और मठ से जुड़े सभी अपने अनुयायियों के साथ महाराज जी का फोटो रखकर उनका पूजा आरती करने के बाद लोगों के साथ अच्छे खासे भीड़ के साथ भगवान का भोग राग लगा हुआ था, जो
अपने यहाँ जो भोग लगता है उसको हम सब बैठ करके सब एक साथ लिए हैं और बहुत ही आनंदित रूप से इसको मनाए हैं। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि पूज्य गुरुजी महाराज की लंबी उम्र हो, दीर्घायु हो, यशस्वी हो, ओजस्वी हो और उनका आशीर्वाद हम शिष्यों के ऊपर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजेश्वरी महंत महाराज जी का जन्म जयंती हमारे क्षेत्र के लोग बहुत ही सादगी और पूजा पाठ आरती शुरू कर बड़े हर्षोल्लास साथ मनाते हैं। इसी तारतम्य में विभिन्न जगहों पे फल वितरण, वस्त्र वितरण एवं रायपुर में दूधाधारी मठ सत्संग भवन में उमेश गोस्वामी एवं साथियों के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इस तरह से रायपुर जांजगीर ज़िले से लेके रायपुर ज़िला बलौदाबाजार होते हुए कजडोल सभी जगह विभिन्न स्थानों पे अलग अलग स्थानों पे मोहन जी महाराज का जन्मोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास मनाया गया।